तो इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। अभी दूसरे किसी को दिखाता हूँ कि यार इसका मसला हल होता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर रहे। तो आज का सीन कुछ यूं है कि अभी टाइम हो रहा है 2:10, और आज का दिन मेरा इतना कोई फंटास्टिक किस्म का बिजी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन में वो है ये पढ़ाई। तो अभी मैं बैठ के सबसे पहले पढ़ाई करता हूँ, फारिग होता हूँ। सबसे पहले मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी हुई क्योंकि किसी वजह से छोड़े, तो बस अभी अल्लाह माफ़ कर जाके मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँगा और फिर पढ़ाई वगैरह अपनी करता हूँ। फारिग होता हूँ और जितने काम भी है वो भी सारे ख़त्म करता हूँ, मुकम्मल तौर पर फारिग होता हूँ। बस आज का मेरा ये गोल है। तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा के बगैर पढ़ने बैठता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा जोन किया, इन्होंने मेरा दिल थका दिया इन किताबों ने। बस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बस मैं बिल्कुल फारिग हो चुका हूँ और बस अभी निकलता हूँ अपने काम करने के लिए। पढ़ाई वगैरह मैंने कर ली है, सामान वगैरह अपनी जगह पे उठा के पहले सामान वगैरह अपनी जगह पे पहले रख दूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो एयरबड्स दिए थे वो ठीक कराने के लिए, तो बस वो ठीक नहीं हुए। वो तो मुझे बंदा ज़रा सही नहीं लग रहा था, मैंने ले के अभी दूसरे को जाके दे के आता हूँ पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाकी बस जो छोटे मोटे काम है और वो आके बस बाकी काम करता हूँ, आराम आराम सारे हो जाएंगे। पहले एयरबड्स का काम ख़त्म करता हूँ। तो इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। अभी दूसरे किसी को दिखाता हूँ कि यार इसका मसला हल होता है कि नहीं। हाँ, तो एयरबड्स का मसला मैंने ख़त्म कर दिया, एक से काम नहीं होता, दूसरे को मैंने दे दिया। वो कहता है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। बाकी अभी ऐसा करना है कुछ पैसे एक जगह से उठाने हैं, मतलब हमने जहाँ पर रखे होते हैं वहाँ से उठा के ले जाने हैं, और थोड़ा बैंक से भी वहाँ पैसे निकाल के, सारे पैसे निकाल के अपनी जेब खाली करके बस पहुँचना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल पैसे पहुँचाने की इधर। तो बाज़ार टाइम जाएगा बगैर निकलता हूँ, ये पैसे वगैरह भी पहुँचाता हूँ, आता हूँ फिर तो रात तो वापस एयरबड देने भी जाना है। तो बस वो सारे काम हैं, सारे काम ख़त्म करूँगा आज। तो पैसे वगैरह मैंने तो पैसे वगैरह मेरे सारे पहुंचा दिए और बस मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ। मतलब जो मेरे काम थे ना, मैं उससे टेंशन फ्री हो गया हूँ। दिमाग में एक ऐसी सीटी बज रही होती थी कि यार ये काम मेरे कब होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए सारे काम खत्म फारिग। और सीन कुछ एक सौ मैंने जो एयरबड्स दिए थे ठीक कराने के लिए, वो अभी वो करके आने जाके वो लेके आता हूँ जल्दी जल्दी, भाग के जाता हूँ इससे पहले कि वो दुकान बंद हो जाए। और बस मसले अपने सारे हल करता हूँ। तो देखिए दिमाग यूज़ करें, अपने मसले खुद हल करें। तो एयरबड्स वगैरह मैंने ठीक करा लिए अपने, ये मेरे हाथ में आ गए बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। दूसरे को मैंने दिया था, वो कहता है कि इस पर बहुत ख़र्चा आता है, और ख़र्चा भी उसने मुझे बताया था। मैंने कहा दबड़ दादा, मैंने कहा नहीं करवाता। मैंने दूसरे को एक और बंदे को दी, उसने कहा यार इसके स्पीकर का मसला है, मैं ठीक करता हूँ स्पीकर। उसने चेंज कर दिए और जितना पहले वाले ने कहा था ना उससे 1/3 ख़र्चा आया है, उससे 3 गुना कम खर्चा आया है। तो बस लोग होते हैं बड़े कसाई, लेकिन हमने भी अपनी छुरियाँ तेज़ करके रखी क्योंकि हम लोग मंडी में फिर रहे हैं आजकल, तो इस वजह से हमने छुरियाँ तेज़ करनी पड़ती है कि यार कसाईयों का मुकाबला हम कर सकें। तो बात बाकी अभी मैं आराम करता हूँ क्योंकि इतने काम वाम करके था कि सुकून से, बस थोड़ी देर बाद आराम से आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो मैं जा सके तो वहीं पर मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं अभी मतलब एक नए स्टाइल से वापस आया हूँ ना, और इसके बगैर डोरेमोन ये देखना ज़रूरी है, मतलब खाने के साथ कुछ ना कुछ देखना ज़रूरी होता है। बात तो सही है। तो
बस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।